हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, फाइनली एनटीपीसी की तरफ से जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th पास कर रखी है, उनके लिए जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको बताता हूँ कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कितनी पोस्ट के लिए कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या कुछ पूरी डिटेल है। चलिए स्क्रीन की तरफ जान लेते हैं, ठीक है। मैं एज अ सीनियर क्लर्क इन इंडियन रेलवे आपको पूरी जानकारी दूंगा सही तरीके से, ठीक है। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, मैं हूं अभी आपका जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो है गुवाहाटी की वेबसाइट है, यानी कि आरआरबी गुवाहाटी पे, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं आरआरबी गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं 20 सितंबर 2024 में CN6 2024 पोस्ट पोस्ट ऑफ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट इंडिकेटिव नोटिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं और क्या कुछ इसमें बोला गया है यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, उससे पहले बता दूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, ठीक है। मैं एज अ सीनियर क्लर्क अपॉइंटेड हूँ इन भारतीय रेलवे में, यानी कि अपना बीआरसी जो डिवीजन है वहाँ पर, ठीक है। डीआरएम ऑफिस में बीआरसी डिवीजन में, ठीक है। ये मेरे बाकी कुछ और भी मैं आपको क्लिप सिखा देता हूँ यहाँ से, देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये वाले देखिए, ये मेरा ऑफिस है। इस तरीके से मैं एज अ सीनियर क्लर्क हूँ, जो कि आपका ग्रेजुएट वाली पोस्ट होती है, और आपकी जो अभी पोस्ट के लिए वो अंडर ग्रेजुएट है 12th वाली, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे द्वारा कुछ वृक्षारोपण वगैरह किया गया था, उसके कुछ क्लिप्स हैं, ये मैं हूँ, ठीक है। यहाँ पर पूरा ये डीआरएम ऑफिस हमारा पीछे पूरा बहुत बड़ा ऑफिस है, ठीक है। ये मेरा ऑफिस का अंदर का पिक्चर है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ यहाँ पर बोला गया, और मैं ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दे पाऊंगा कि क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं, कैसे क्या पेपर होता है, क्या चीज़ें रहती हैं उसके अंदर, क्या कट ऑफ जाता है, क्या आपको पोस्ट होनी चाहिए, क्या पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, ये सारा कुछ आपको डिटेल में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं खोल देता हूँ उसको, है ना। उसको हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको, ओके। चलिए देखिए, ये है आपका पूरा नोटर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, ये हो गया सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिस CN6 2024 का ये नोटिस है। इससे पहले जो 5/2024 निकला था वो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए था। ये आपका है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। ये कौन से लेवल का है दोस्तों आपका, ये आपका ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, इससे आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला गया है इनके द्वारा, तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं डिटेल में। देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी पोस्ट यहाँ पर बोला गया है अंडर ग्रेजुएट। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट गिवन इन द टेबल बिलो, यानी कि यहाँ पर आपके जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन मंगाई जाएंगे उसकी जो ओपनिंग डेट रहेगी वो रहेगी 21 सितंबर। आज की डेट में जो नोटिस डाला गया वो है शॉर्ट नोटिस यहाँ पर, ठीक है। इसका जो कल फुल नोटिस है वो 21/9/2024 में आपको देखने को मिल जाएगा, बट मोटी मोटी जो बातें वो उन्होंने इस नोटिफिकेशन में बोल दी गई है, ठीक है। और क्लोजिंग डेट रहेगी 20 अक्टूबर, यानी कि 21 सितंबर कल की डेट से फॉर्म, सैटरडे से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 20 अक्टूबर तक ये चलने वाले हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, लेवल 3। इसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था लेवल 3, मेरा लेवल 2 में, लेवल 3 में और लेवल 5 में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले ऊपर जो लेवल आपका सिलेक्शन हुआ है वहां पर आपको पोस्ट देंगे। अगर मुझे यहाँ पर भी पोस्ट नहीं मिलती तो फिर मुझे लेवल 3 देते, लेवल 3 में नहीं मिलती तो लेवल 2 में मुझे यहाँ पर पोस्ट दी जाती, ठीक है। बट पूरे चांस थे कि लेवल 5 में मुझे पोस्ट यहाँ पर मिल गई, ठीक है। तो लेवल 3 की पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। इसका जो बेसिक पे रहता हुआ है 21,700, और जो इन हैंड आपको सैलरी मिलती है वो 35 से 40 के अराउंड रेट में रहती है, ठीक है। ये रहता है, बाकी ये अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड ट्रेन क्लर्क हो गया, ये होता है लेवल 2 में। इसमें जो बेसिक पे है 19,900, इसकी जो सैलरी मिलती है वो 32 से 35 के बीच होती है, ठीक है। तो इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो डिटेल नोटिफिकेशन जब कल आ जाएगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर इसमें आपका C2 C1 रहता है, ठीक है, इसके नीचे रहता है, क्योंकि ये जितनी भी पोस्ट है ऑलमोस्ट इसमें से जो ज्यादातर पोस्ट रहेंगी आपकी वो डीआरएम ऑफिस में रहती है, और बाकी आपकी जो रहेगी वो स्टेशन पर आपकी पोस्ट रहती है, ठीक है। एज की बात कर ले, 18 से 33 साल एज मांगी है, बाकी यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन सबको दिया गया है एज में, यानी कि 18 से 36 साल आपकी एज हो जाती है। टोटल इंडिकेटिव वैकेंसी की बात करें, टेंटेटिव वैकेंसी की, तो वैकेंसी काफी कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो लास्ट टाइम इसकी वैकेंसी निकली थी उसके कंपैरिजन में। अगर हम देखें लेवल 3 की कितनी पोस्ट है तो मात्र 2,022 पोस्ट है, और लेवल 2 की बात करें तो ये तो और भी कम है, यानी कि 1,423 पोस्ट है। और आपको मालूम होगा कि 12th से भरने वाले जो फॉर्म है कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, फिर भी यहाँ पर बहुत सारी कम वैकेंसी निकल गई, तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी हुआ 3,445। भविष्य में इनके बढ़ने की संभावना है, बिल्कुल पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि रेलवे में काफी सारे जो पद वो खाली हो रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कितनी वैकेंसी भरे या नहीं भरे, फॉर्म जरूर भरना है, ठीक है। इन फ्यूचर वैकेंसी ये डबल भी हो सकती है, इससे ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं और क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें, यहाँ से हम इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फॉर फर्दर डिटेल, जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा कल तो उसमें आपको मेंशन रहेगी, ये आपके आरआरबीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आरआरबीज की वेबसाइट दी गई, आपको किस आरआरबी से फॉर्म भरना है तो उस वेबसाइट पर आप क्लिक करके यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली इंडिकेटिव इन नेचर, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द डिटेल CN6 2024 एज सर्टन देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है। एनी कोरिएंडम एडेंडम इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी रिक्रूटमेंट शैल बी इशूड टाइम टू लर्न द अबाउट वेबसाइट, ठीक है। तो 21/9 का ही नोटिस है, और कल इसका जो पूरा आपका फुल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग आपके क्या डाउट्स हैं, क्या आपको इसके बारे में जानना है, ठीक है। बुक्स क्या रहेंगी, है ना, कौन से टीचर्स हैं जिनसे हम पढ़ सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, टाइपिंग होती है नहीं होती है, होती है तो किस तरीके से होती है, पूरा कुछ डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी क्लियर करके बैठा हूँ,
ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, ये जो मेन चैनल है द एग्जाम हेल्पर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। दूसरा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल देता हूँ, है ना। टेलीग्राम पर जाकर ये नाम डालेंगे द एग्जाम हेल्पर, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये मेरा सेकंड चैनल है जहाँ पर मैं जीके जीएस की तैयारी कराता हूँ, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोज में आपके लिए जितना भी इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है स्टडी से वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ द एग्जाम हेल्पर के जीके चैनल पर। बस केवल आपको द एग्जाम हेल्पर जीके लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। चलिए तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।